तेरा मेरा रक्षा बंधन। मासा, ओ मासा, आज तक मैंने आपसे जो भी कुछ मांगा है आपने कभी हमारी बात खाली ना जाने दी। और मैं जानती हूँ तुम्हारी मासा हमारे से इतना प्यार करे है कि किसी दिन मैं आसमान के चांद तारे भी लाने को बोलू ना तुम्हारी मासा मेरे को ला कर देगी। तो आज मैं बस रसाल की माफी मांगती हूँ आपसे। प्लीज मासा, हमारी बिनती समझ कर माफ कर दीजिए ना उसे। देखा, इसे कहते हैं बड़े घर के लक्षण। तू जिसका घर जलाने चली थी वही मेरे आगे आके तेरे लिए हाथ जोड़कर माफी मांग रही है। आज अपनी बेटी की दरियादिली की वजह से मैं तुझे माफ कर रही हूँ, लेकिन दोबारा तूने ऐसा करने की कुछ कोशिश की ना तो मैं तन्ने छोड़ूंगी ना। सारे किए कराए पर छुरी चला दी इस कड़क की बच्ची ने। सोचा था ये रसाल यहाँ से हट जाएगी तो मैं शिवराज को अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। बोला ना भाई साहब, कोई मतलब नहीं था हमारा। हर वक्त मतलब ना होवे किसी की मदद करने का, और की भी तो इसलिए क्योंकि मने लगा कि रसाल जैसे अनाथ के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती हो रही है, बस इसलिए माफी दिलवा दी। कनक, मारे से झूठ बोलने की जरूरत ना है, मारी बहन है। मैंने ध्यान है कि तू रेत से भी तेल निकालना अच्छे से जाना है, और ऐसी सख्त जान इतनी आसानी से पिघल जाए ये हो नहीं सकता। सच बता, मैंने क्या कारण रहा? इतना अच्छा मौका था उन दोनों को घर से लात मार के बाहर निकालने का, क्यों नहीं किया तूने? कनक मेरी बात सुन, कीड़े मकोड़े कचरे के ढेर में अच्छे लागे हैं बड़ी बड़ी हवेलियों में, नहीं समझी? और थारी बेवकूफी के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया, समझे? चोरे, जुबान को ज्यादा ही चलने लग गई है तेरी आजकल। जिन्हें इन हवेली से बाहर फेंकने की बात कर रहा है ना, आज उन्हीं की वजह से इस हवेली से लेकर खेत तक सब आज भी हमारे हाथों में है। तेरे भरोसे रहता ना तो कब के ताम तूमड़े बिक चुके होते। और जय बेटा, एक बात बता, आज तक अपने बाप के कंधों के बोझ को हल्का करने के लिए तेरा क्या योगदान रहा है? घूमा फिरा, आवारा गर्दी करी, नए नए धंधों में पैसे बिगाड़े, दोस्तों को खुश किया, लेकिन करके कुछ नहीं दिखाया तूने। शुक्र मना कि सही समय पर तेरी बहन में सद्बुद्धि आ गई, तो आज ये हवेली उन दो नगीनों को खोने से बच गई जो दिन रात निस्वार्थ भाव से इस खानदान की सेवा करते हैं। बदन की ऐठन तो मिट जाएगी, मगर इस दिल का क्या करूं? इसकी ऐठन कैसे जाएगी? बार बार उमड़ती रहे, इसका इलाज करने वाला कोई ना आ रहा। रुक, एक बात हमारी समझ नहीं आ रही। हमेशा रसाल को कुएं में धकेलने के लिए तैयार कनक, कल चीची से उसने माफी क्यों दिलवाई? अरे यह मामला हमारी समझ नहीं आ रहा। शिवा, देख तो, मारी कमर बहुत दुख रही है। अब बदन तो भट्टी की तरह तप रहे हो मारो।
इस अशरफी के भी हाथ टूट गए। मारी कमर दबाते दबाते थारा कड़क और फौलाद जैसा हाथ से मारी कमर दबा दे, तुम्हारे भी आराम आ जाए और इसकी भी जान छूट जाए। के हो गया सिवा? राणा जी को दिया हुआ वचन भूल गया के? कि इस हवेली के सब लोगों की काम करेगा तू, कभी ना ना कहेगा। चल मारी कमर और पीठ दबा दे। थोड़ा नीचे, जैसा काठ जैसा कड़क हाथ तेरे, तेरा शिवा। जहाँ जहाँ तू हाथ लगा रहा है ना, वहाँ का दर्द एकदम छू अंतर हो गया रे। आ आहिस्ता शिवा, कहीं और भी दर्द है तो बता दो मौसी, दबा देती हूँ। शिवा कहाँ है? राणा बापू साहब ने उन्हें बुलाया तो वो चले गए, लेकिन मैं हूँ ना, जो काम भाई साहब कर सके हैं वो मैं भी कर सकूँ हूँ। तो बताओ कहाँ कहाँ दर्द है? सारो दर्द मिट गयो, चल जा यहाँ से। मछली में कांटे की तरह हमेशा शिवा और मारा बीच में आ जाए। इस कांटे को निकाल बाहर न फेंका ना मैंने तो फिर ना मेरा नाम नहीं। आज कितना बड़ा तूफान आया ना, फिर भी माता जी महाराज ने हम दोनों को इतनी मुश्किलों के बाद अलग ना होने दिया, कस के बांध के रखा, हम हमेशा यूं ही साथ रहेंगे। मन्ने माफ कर दे रशु, अरे बात का भरोसा ना करने का नतीजा एक बार देख चुका हूं मैं, फिर भी आज सबकी तरह मैंने भी तारी बात का भरोसा दोबारा चढ़ा होगा। नहीं नहीं भाई साहब, आपको माफी मांगने की जरूरत ना आए, मैं समझती हूँ। बढ़िया तूफान, उस तूफान के सामने कुछ ना है जिसने हमसे हमारे मासा और बापूसा को छीन लिया। उस तूफान में मैं कभी ना भूलूंगा। बल्कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन मारी सबसे बड़ी दुश्मन चकोरी मारे सामने होगी। चलो खाना खाते हैं। अच्छा चल
ये आवाज कैसी? मैं देखता हूँ कमरे में कोई है। कमलेश ने माफ कर दो, आपने को पता है कि बच्चे पुल्ली और सरपंच साहब के साथ जो हादसा हुआ उसके सदमे से कमलेश अपना मानसिक संतुलन खो बैठी, इसलिए कभी कभी उसे पागलपन के दौरे पड़ जावे। पागलपन का दौरा पड़ता है तो मारे यहाँ पे आएगी? हाँ, कुछ भी करेगी। अपने काबू में रखो इसे भीम साहब। आप सरपंच साहब के करीब के दोस्त थे इसलिए आपको काम पे रखा था। याद रखिए, हमारे वजह से आपके घर में चूल्हा जलता है। आपके बेटे अज्जू को हम शहर में पढ़ाते हैं और उसका सारा खर्चा भी उठाते हैं, और आपकी भिंदनी हमारे से ऐसे बात करती है? इसे लीजिए और निकलिए। खपुराइन साहब, हम आपका उपकार माने हैं, आगे से ऐसा ना होगा, माफ कर दीजिए। कमलेश, जी आपका मंगलसूत्र। चल कमलेश, चल। ना छोड़ूंगी मैं इसे। डर, हर टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। जी आवाज कैसी? मैं देखता हूँ कमरे में कोई है। अगर ये दरवाजा खुला तो 15 साल से छिपा के रखा राज सबके सामने आ जाएगा। जी ढोलपुर की जमीन को तो प्रणाम कर लिया, अब आप भी मारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आता हूँ जल्दी।
ये कमरा 15 सालों से बंद है, आपके कान बज रहे हैं। नाना ठाकुरायन साहब हमारे कान ना बज रहे हैं, मन्ने आवाज सुनी है। ये मन्ने पता है कि 15 साल से कमरा बंद है, इसमें सरपंच साहब का सामान पड़ा है, कहीं अंदर कोई घुस गया हो तो। ठाकुरायन साहब मन्ने चाबी दीजिए, अंदर चोर हो सकता है। कोई ना है। वो क्या है कि अंदर मोटे मोटे चूहे हैं ना, तो उन्हीं के लिए चूहे मार दवाई लेने गया था मैं। आप एक काम कीजिए, भाभी साहब को ले जाइए, उनका ख्याल रखिए। राम राम मुंह से। चलो कंपनी, चल घर चल। तो बचा लिया तारे को चुकोरी, हर बार ना बचा पाऊंगा। अरे शक की सुई बाढ़ भी खाल उधेड़ देती है। इसको ज्यादा देर अटे रखना खतरे से खाली ना है, इसको हटाना पड़ेगा अटे से। सोच कुछ। ठीक है, इस हवेली में बहुत कमरे हैं, इस कमरे से किसी दूसरे कमरे में डाल देंगे। अरे मूम, 15 सालों में किसी ने कुछ पता ना चला, अभी कुछ पता ना चलेगा। तू सुन रही है ना? पर बीच में ना आओ। अरे बात को ध्यान से सुन, काम याद रख। इलेक्ट्रिशियन आने वाला है, छोटी मालकिन के कमरे का एसी और किचन का बल्ब दोनों ठीक कराने। तूने सुना? मैं सुना। हाँ हाँ, बहरी तो कोई ना हो जो सुनूंगी ना। पूरा टाइम अपनी धुन में रहती है, क्या सुन रही है क्या ना, मन्ने क्या पता। अच्छा सुन, मैं नहाने जा रहा हूँ, तू पौधों में पानी दे दियो। हाँ जा रहा हूँ। जाते एक नल चला के जाना। हाँ जी, ढोलपुर की जमीन को तो प्रणाम कर लिया, अब आप भी मारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जी आता हूं जल्दी। एक्सक्यूज मी, ये जयदेव रतन सिंह का घर है। Thank you.
ये क्या तेरे का है? खुद भी भीग गया, मैंने भी भिगो दिया। थैंक यू, बाद में लेके जाना। अभी चल, एसी और पंखे ठीक करने हैं। आजकल के इलेक्ट्रिशियन बताओ हीरो बनकर आते हैं। टी शर्ट, शूज, जैकेट, अब अच्छे खासे कपड़े खराब होंगे। चल समर, मेरी जान, मेरे दोस्त, इतना जल्दी कैसे आ गया तू? अरे स्टेशन पहुंच के मेरे को फोन कर देता, मैं लेने आ जाता। और ये इतना भीगा क्यों है तू? क्या हो गया? लंबी कहानी है, फुर्सत से सुनाऊंगा। मासी साहब, अमर भाई लोग, समर कॉलेज का यार, इसके साथ मिलके मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। कुछ दिन यही रहेगा ये, क्यों समर? छोटे मालिक, आप हमारे बापू साहब के बारे में कुछ ना कहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ये अकड़ किसी और के सामने दिखाना, थारे जैसे सड़क छाप लोगों के माँ बाप भी सड़क छापी होवे। बस, बस! छोटे मालिक, आप हमारे बापू साहब के बारे में कुछ ना कहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ये अकड़ किसी और के सामने दिखाना, थारे जैसे सड़क छाप लोगों के माँ बाप भी सड़क छापी होवे। बस, बस! बस!